हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है, दैट इज सॉल्यूशन। अगर किसी को सॉलिड स्टेट में कोई डाउट है, वैसे ऑलमोस्ट मैंने सॉल्यूशन एक एक टॉपिक क्लियर कर दिया है, कोई से डाउट आना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इन केस फिर भी किसी कोई डाउट आता है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, कई तरह के सॉल्यूशन है ना, सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें किस तरह का सॉल्यूशन पढ़ना है, हमें यहाँ पर हम आपको एक बार बता दें। पहली बात तो आपको पता होने चाहिए कि हमारे जो सॉल्यूशन हैं, ऐसे तो कई तरह के होते हैं, बट हमें पढ़ने हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो देयर टू टर्म्स, एक तो है होमोजीनियस, ठीक है, दूसरी है बाइनरी सॉल्यूशन। तो जनरली जो आपके सॉल्यूशन होते हैं ना, होते तो मिक्सचर हैं, बट कैसा मिक्सचर होना चाहिए, होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, जिसमें आपका जो कंपोनेंट है, मतलब जो भी आपने किसी चीज़ में डिसॉल्व किया है या मिक्स किया है, वो उसमें प्रॉपरली यूनिफॉर्मली तरीके से मिक्स हो जाए। मतलब जैसे सॉल्ट आपने पानी में डिसॉल्व किया है, ठीक है, तो आप चाहे उस पानी में, जिस पानी में आपने सॉल्ट घोला है, उस पानी का कोई भी हिस्सा उठाओ, कोई भी हिस्सा उठाकर देख लो, वो पानी उतना ही नमकीन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि डिसॉल्व करने के बाद भी जो नीचे वाला पोर्शन है, मान लो गिलास में आपने डिसॉल्व कर दिया, प्रॉपरली डिसॉल्व कर लिया नमक, तो ऐसा नहीं है कि जो गिलास में नीचे नीचे की तरफ जो पानी है वो ज्यादा नमकीन होगा और जो ऊपर की तरफ है वो कम नमकीन होगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो पानी जो होता है वो एकदम इक्वली नमकीन होता है, ठीक है। सॉल्टी जो टेस्ट आएगा वो सेम रहेगा थ्रू आउट दिस सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि जो सॉल्ट था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे पानी में, ठीक है। अगर आप सैंड की बात करो, मैं बोलूँ सैंड डिसॉल्व करो पानी में, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंड वैसे डिसॉल्व होती नहीं, पर थोड़ी मड डिसॉल्व हो जाएगी, बाकी जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर कंपोजिशन जो आपने मिक्स किया है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं रहती, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ आपको मिट्टी डिसॉल्व हुई दिखेगी और नीचे वाले सॉल्यूशन में आपको सैंड पार्टिकल्स भी दिखेंगे जो सेटल डाउन हो रखे हैं, ठीक है, क्लियर। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता। आपने नाइन्थ में हम पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में, ये सब कुछ नाइन्थ में हो चुका है, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस, ठीक है, क्लियर। फिर भी किसी को डाउट हो अपने नाइन्थ क्लास की बुक देख लेना। देन अब हमें दो चीजें हमने बड़ी पढ़ी है ना, एक होता है सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है सोलवेंट। मैंने अलग से कॉलम भी, अलग से लिख भी रखा है, सॉल्यूट को भी डिफाइन कर रखा है और सॉल्वेंट को भी डिफाइन कर रखा है। तो जनरली सॉल्यूशन मिक्सचर होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो उस मिक्सचर में मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। मिक्सचर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर ही बनता है, ठीक है। तो वो जो मिक्सचर बना है उसमें हम किस कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहेंगे, किस को सॉल्यूट कहेंगे, ये हम अभी हमको दो एक मिनट के बाद पता चल जाएगा। तो जो भी कंपोनेंट आपका लार्ज क्वांटिटी में होता है, जनरली जिसका मतलब अमाउंट ज्यादा होगा, मान लो मिक्सचर दो तीन चीजों से बना दिया मैंने, ए बी सी, ठीक है, ए मैंने लिया 70%, बी लिया 20% और सी ले लिया 10%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज मैंने किसका लिया, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट मैंने किसका लिया, ए का लिया ना, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, ए मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। वेयर एज, ठीक है, जो भी कंपोनेंट सॉल्वेंट के अलावा प्रेजेंट है किसी मिक्सचर में, ठीक है, सॉल्वेंट तो वो हो गया जो लार्ज क्वांटिटी में है, उसके अलावा कोई भी कंपोनेंट जो उस मिक्सचर में प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। मतलब जो बी और सी हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सॉल्यूट हो जाएंगे, और जो अभी एग्जांपल मैंने ए बताया था वो सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद हमने पढ़ लिया कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं। नाउ अब कई केसेस हो सकते हैं ना, क्या केसेस हो सकते हैं, या तो एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, है ना, या फिर दो सॉल्यूट हो या एक सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट तो एक ही होगा, सॉल्यूट आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप पर सॉल्यूशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो गए, है ना, इस बेसिस पर आपका सॉल्यूशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो गया। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें
एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। हमने सिर्फ, हमारे पास सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो जितने भी आप सॉल्यूशन इस चैप्टर में देखने वाले हो ना, उनमें आपको एक ही सॉल्यूट दिखेगा और एक ही सॉल्वेंट दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं बाइनरी सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, रीडिंग बहुत जरूरी है। मैं टेक्स्ट बुक से रीड क्यों करवा रही हूँ, मतलब क्यों साथ के साथ समझा रही हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी में जो चीज लिख दी है ना, मतलब जो लिखी हुई है, हालांकि हम अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के चल देना तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग मिस कर देते हैं। रीडिंग से क्या होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है, आपकी समझने की जो कैपेसिटी है या को आपकी अपना जो पोटेंशियल है चीजों को रीड करके समझने का, वो भी इंक्रीज करता है, क्योंकि एट दी एंड आपको खुद ही पढ़ना होता है, ठीक है। हो सकता है स्कूल टाइम में आपको ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा टीचर का, कॉलेज में थोड़ा कम मिलेगा, देन पोस्ट ग्रेजुएशन में और कम सपोर्ट मिलता है, बिकॉज चीजें आपको खुद ही पढ़नी होती है, क्लियर। नाउ यहाँ पे कई तरह के सॉल्यूशन दे रखे हैं कि गैस का गैस में भी हो सकता है, लिक्विड का गैस में भी हो सकता है, सॉलिड का भी गैस में हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे सॉल्वेंट को सॉल्वेंट लिखा है, इधर सॉलिड लिखा है। तो सॉल्वेंट देखो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि सॉल्वेंट कोई लिक्विड ही होगा, ठीक है। हियर यू कैन सी थ्री केसेस, ठीक है। गैस कैन बी अ सॉल्वेंट, लिक्विड कैन बी अ सॉल्वेंट एंड सॉलिड कैन बी अ सॉल्वेंट, ठीक है। सिमिलरली सॉल्यूट भी कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही होगा, तो ऐसा कोई नेसेसरी कोई रूल नहीं है। गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी और सॉलिड भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इस बेसिस पर हमने तीन तरह के सॉल्यूशन कर दिए हैं, गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। हालांकि इट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट फॉर द जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि तीन तरह के सॉल्यूशन है, गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीन तरह के दिखते हैं, जिसमें आपका सॉल्वेंट गैस होगा तो गैसीय सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा वो लिक्विड सॉल्वेंट कहलाएगा, सॉरी लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, और जिसमें आपका सॉल्वेंट सॉलिड होगा वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अभी अभी जो नेक्स्ट टर्म हमने पढ़नी है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि हमें समझना है कि कंसेंट्रेशन को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी वेज कि कितना सॉल्वेंट है किसी सॉल्यूशन में और कितना सॉल्यूट है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए, जब भी हम सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे हमको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो ये फाइंड आउट करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है, दैट इज योर मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मतलब मास बाय मास, वेट की रेशियो है वेट से, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट, ठीक है। तो वेट का रेशियो है वेट से। नाउ होता क्या है भाई मास परसेंटेज, ये भी देख लेते हैं, क्लियर। तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, देखिए जी कंपोनेंट क्या होगा, जनरली आपका सॉल्यूट होता है, ठीक है। किसकी हम कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूट की, ठीक है, क्लियर। तो मास लेना है कंपोनेंट का इन द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूट का कितना मास है ओवर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास, सॉल्यूशन का बोला है सॉल्वेंट का नहीं बोला है, ठीक है, और इनटू कर देना 100, ठीक है। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आप उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है, टोटल मास दिया हुआ है, तो आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना मास है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने हल्का सा समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, आई होप यू कैन सी इट। 10 ग्राम ग्लूकोज जो है 90 ग्राम पानी में घुला हुआ है। अब ज्यादा अमाउंट में कौन है, 90 ग्राम ज्यादा है ना 10 से, तो 90 ग्राम वाला कौन होगा, वो सॉल्वेंट होगा, मतलब जो वाटर है आपका वो सॉल्वेंट है। वेर एज ग्लूकोज जो कि कम अमाउंट में है 10 ग्राम है, वो सॉल्यूट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सॉल्वेंट क्या है और हमारा सॉल्यूट क्या है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, सॉल्यूट हमारा ग्लूकोज है। अच्छा अब देखो इस जो फॉर्मूला में ऊपर तो कंपोनेंट का मास दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, नीचे लिखा है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब
टोटल मास निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का, है ना। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, है ना। तो सॉल्यूशन का जो मास होगा वो किसके मास का सम होगा? सॉल्यूट का मास प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो व्हेन यू विल ऐड मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट देन यू गेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मैंने ग्लूकोज का देखा 10 था और मेरे पानी जो वाटर मैंने लिया था उसके 90 ग्राम था, तो टोटल हो गया 90 प्लस 10 100 ग्राम। तो आपका सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, तो आपने कंपोनेंट का मास डालना है, कंपोनेंट मतलब योर सॉल्यूट, दैट इज द 10 ग्राम। ठीक है, 10 by 100 मास ऑफ द सॉल्यूशन जो आपने रिसेंटली कैलकुलेट किया है, 100 into 100 करना है, क्योंकि 100 देखो फॉर्मूला में लिखा हुआ है तो सेम कर देना है। तो आपका आ गया 10%, मतलब ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया था ना, 10 ग्राम ग्लूकोज खोला था 90 ग्राम पानी में, ठीक है, इसका कितना मतलब ये जो ग्लूकोज है इसका मास परसेंटेज कितना आ गया? 10% आ गया। और ये जो हमने निकाला है ना अभी, ये वेट बाय वेट है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपोनेंट जो हमने सॉल्यूट था उसका भी मास क्या ग्राम में लिया है, और नीचे भी सॉल्यूशन का भी मास ग्राम में लिया, मतलब कहने वाली बात है कि इसका भी मास लिया है और इसका भी मास लिया है। ठीक है, यूनिट कोई भी हो सकती है, नो इफेक्ट। ओके, नाउ कम टू दी अवर नेक्स्ट, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, देखिए वॉल्यूम परसेंटेज लिखा है और ऊपर लिखा है वी बाय वी, समझ गए ना, मतलब वॉल्यूम की रेशियो है वॉल्यूम से। पहले जो किया था मास परसेंटेज था, मास की रेशियो थी मास से, ठीक है, क्लियर। तो वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? सेम फॉर्मूला है, बस मास की जगह वॉल्यूम लगा देना है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू कर देना है 100, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अभी जो आपका जो सॉल्यूट है आपका, उसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, लीटर मिलीलीटर कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली सॉल्वेंट की जो यूनिट है वो भी कुछ भी हो सकती है, लीटर मिलीलीटर। एक मिनट होल्ड करो बच्चे। तो अभी जो हमने किया था वॉल्यूम परसेंटेज का जो मैंने डिस्क्राइब किया था, अभी देखो सॉल्यूट में आ गया आपका, सॉल्यूट है लीटर और मिलीलीटर किसी में भी हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम है तो कोई भी यूनिट चलेगा। कहने की बात है वॉल्यूम है तो मतलब लिक्विड ही होगा, ठीक है, अगर हम किसी चीज का वॉल्यूम ले रहे हैं बेसिकली तो हम इट मीन्स लिक्विड ही, क्योंकि सॉलिड का हम जनरली मास प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हम ले लेते हैं, अब देखो यहाँ पर मैं हल्का सा बताती हूँ, अगर आपको किसी ने बताया कि आपका पार्टिकुलर कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन दिया आपको, बोला कि 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्ट किया कि 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो आपने इस चीज से क्या समझा कि अच्छा ये 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, व्हाट डज इट मीन कि आपका 40 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा? 100 में, है ना, तभी 40 आएगा। ये 40% कब आएगा? 40 by 100 होगा तभी आएगा ना, मतलब 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, क्लियर। तो आपने देख लिया कि अच्छा सॉल्यूट 40 है, सॉल्यूशन 100 है, तो आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसे भी पुट हो सकता है, इधर वो आपको परसेंटेज निकालने को दे दे या फिर आपसे परसेंटेज दे के आपको वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम पूछ ले, ठीक है। हालांकि इस तरह के जो ये आपका कंसेप्ट है इनको, इनके ऊपर स्पेशल आपका न्यूमेरिकल कम आता है, बट जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं उसमें इन कंसेप्ट्स का यूज होता है, जो आगे हम फर्दर दूसरे नए कंसेप्ट्स पढ़ेंगे ना सॉल्यूशन में, तो उनमें इन कंसेप्ट्स का यूज होता है, ठीक है, तो वहां पर इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी इस कंसेप्ट की, ठीक है, तो चीजें समझनी जरूरी है, ठीक है, क्लियर। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ गया आपका 60 ml, इट मीन्स आपने 40 ml सॉल्यूट डिसॉल्व किया था 60 ml सॉल्वेंट में, ठीक है, क्लियर। ओके, अभी देखो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ अंडरलाइन किया हुआ, एप्लीकेशन है 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है, अगर आप लेते हो किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर लेते हो, एन एंटी फ्रेज
used in cars for cooling the engine. At this concentration, the antifreeze lowers the freezing point of water to 255.4 केल्विन, मतलब -17.6 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसका देखो होता क्या है, जो काफी ठंडे इलाके हैं अपने, ठीक है, वेस्टर्न जो अपना कंट्रीज हैं वहां पर काफी ठंड पड़ती है, यू नो दैट, है ना. तो आपने देखा होगा इंजन, जो गाड़ी का इंजन होता है उसमें पानी यूज किया जाता है, ठीक है, पानी यूज होता है उसमें, क्लियर. तो होता क्या है कि जब इतनी ठंड पड़ती है ना, अब पानी तो जो वहां पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, इतनी ठंड पड़ती है. अब पानी का तुमको पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना. तो पानी तो अपना फ्रीज होना शुरू हो जाएगा 0 के बाद, है ना. जैसे 0 से कम टेम्परेचर होएगा, वैसे फ्रीजिंग तो 0 से स्टार्ट हो जाती है, बट मान लो -5 -10 कहीं जाके पानी प्रॉपरली फ्रीज हो गया है, ठीक है. अब अगर पानी फ्रीज हो गया तो इंजन कैसे चलेगा, गाड़ी कैसे चलेगी, है ना, नहीं चलेगी. तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, हमने क्या करते हैं, हम एक एंटी फ्रीज डालते हैं. एंटी फ्रीज समझ गए ना, जो फ्रीज होने से रोके, जो चीज को फ्रीज होने से रोके, ठीक है. तो हमने डाला इथाइलिन ग्लाइकोल, उसी कंसंट्रेशन है 35%, ठीक है. तो ये जो हमने इथाइलिन ग्लाइकोल डाला, उसने इसका फ्रीजिंग पॉइंट को कर दिया -17.6 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से -17.6 डिग्री सेल्सियस कर दिया है पानी के टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को, क्लियर. अब इससे क्या होगा कि पानी इतनी जल्दी फ्रीज नहीं होगा, -17 हो गया ना, तो -17 मतलब आप समझो -25 या -30 के अराउंड या -40 के अराउंड जाके पूरा पानी फ्रीज होगा, ठीक है, क्लियर. इस टेम्परेचर पर फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है बट कम्प्लीटली फ्रीज नहीं होता पानी, ठीक है, ओके. उसके बाद है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है. पहले पढ़ा था मास बाय मास, फिर पढ़ लिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नाउ थर्ड इज योर मास बाय वॉल्यूम, मतलब W बाय V, ठीक है. ये सेम है, ऊपर क्या लोगे, ऊपर लेना है मास ऑफ द सॉल्यूट, नीचे क्या लिखोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है. तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला सेम है, बस सॉल्यूट को मास, सॉल्यूट का मास लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, ठीक है, क्लियर, सेम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. नेक्स्ट आ जाइए पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन एक यूनिट है, इंपॉर्टेंट भी है, PPM, शॉर्ट फॉर्म है PPM, ठीक है. ये उन सॉल्यूट्स के लिए है जो ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेस मतलब बहुत कम, ठीक है, क्लियर, बहुत कम. जैसे कि हमारी बॉडी में कॉपर है, आयरन है, है ना, ये जो चीजें हमारी बॉडी में, ये ऐसे नहीं कि ग्राम में पड़ी है, ये बहुत कम है, बहुत इतनी कम है कि अगर मैं नॉर्मली इसको मेजर करके दूं ना तो आपको कि मैम इतना के बराबर है, ठीक है. तो ऐसी चीजें जिनका पर ऐसा नहीं होता कि बहुत कम बेशक है, बट अगर इनकी वैल्यू हल्की सी भी फ्लक्चुएट हो जाती है, थोड़ा बहुत चलता है, अगर थोड़ी बहुत मतलब फ्लक्चुएशन इनकी वैल्यूज में आ गई ना, तो हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है. तो ऐसी चीजों को मेजर करना जरूरी है, सो दैट कि हम जो इनटेक कर रहे हैं, फूड इनटेक है हमारा, अब से एटमोसफेयर में देखते हैं ना, जो आपकी पॉल्यूटेंट है, आपने देखा होगा जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है, जो पॉल्यूटेंट है आपके, ठीक है, उनको पार्टिकल जो आपके हैं उनका बताते हैं कि वो इस टाइम उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो जो कंसंट्रेशन है वो PPM में बताई जाती है, क्योंकि हालांकि आसमान बहुत बड़ा है, बहुत खुला है, उनकी जो कंसंट्रेशन है ना वो आसमान के कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है, आसमान के कंपैरेटिवली बहुत कम है, जो टोटल आपका स्काई है, टोटल एयर है, टोटल एटमोसफेयर है, उससे कंपैरेटिवली बहुत कम है, बट स्टिल अगर उनकी वैल्यू थोड़ी भी फ्लक्चुएट होती है ना, तो हमारा जो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, थोड़ा भी कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर, अदर लिविंग बींग्स जो है उनकी बॉडी पर इफ पड़ता है, ठीक है. तो ऐसी चीजों को मेजर करना तो जरूरी है, हालांकि चाहे वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो. तो अब देख लेते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन कैसे करते हैं, ठीक है. किसी भी चीज को अगर PPM में कैलकुलेट करना है तो कैसे करना होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, पार्ट्स मतलब जितना उसका अमाउंट है, ठीक है, क्लियर, ओके. उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल पार्ट देख लिया सॉल्यूशन का और कंपोनेंट का पार्ट देख लिया, उसको मल्टीप्लाई करना है करके डिवाइड, मतलब जब इन दोनों को मैं वैल्यू पुट कर दी, देन मल्टीप्लाई करना है 10^6 मिलियन लिखा है ना, मिलियन मतलब 10^6, ठीक है, तभी क्या है, तो डिसॉल्व कर दिया. अभी इससे बाद जो वैल्यू आएगी आपकी वो PPM में आ जाएगी, ठीक है. अभी देखो मैं आपको इसको समझाती हूँ न्यूमेरिकल से,
देखो, अ लीटर ऑफ सी वाटर, अ लीटर ऑफ सी वाटर जो जिसका ग्राम, लीटर तो वॉल्यूम में है ना, लीटर क्या है वॉल्यूम में, अगर मैं उसको ग्राम में चेंज करूँ ना, ग्राम में कैसे चेंज करूंगी, या किलो केजी या किलोग्राम में कैसे चेंज करूंगी, बाय मल्टीप्लाइंग बाय देयर डेंसिटी। वॉल्यूम को मास में कैसे चेंज करते हैं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करके देखा तो उसका वेट आ गया 1030 ग्राम, ठीक है, 1 किलो से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, 1030 ग्राम जो आपका पानी आ गया। वो बोलते हैं कि इसमें कितना है, इसमें 6 × 10⁻²⁻¹ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, कितना कम है देखो, है ना, 6 × 10⁻³ ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि अगर मुझे इसको पीपीएम में निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगी, तो मैं क्या करा, देखो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट था ना, मतलब कितना मास है उसका, किसके बात कर रहे हैं, सोल्यूट कौन है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन कम अमाउंट में है और जो सी वाटर है वो तो ज्यादा अमाउंट में है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मास लिख दिया सोल्यूट का 6 × 10⁻³। नीचे किससे डिवाइड करूंगी, जो आपका टोटल मास है सॉल्यूशन का, दैट इज योर 1030 ग्राम, कर दिया, ठीक है। देखो जब मैंने इसको करके देखा तो देखो कितनी कम वैल्यू आ रही है, मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है कितना कम आया, इट इज लाइक 0.00000825। तो तुम तो एक बोलोगे मैम ये तो नेग्लिजिबल सा है, बट ये नेग्लिजिबल नहीं है, इतनी एक्वेटिक स्पीशीज जो है पानी में जिंदा है, सिर्फ इतने इतनी थोड़ी सी अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाए तो इतनी ज्यादा एक्वेटिक स्पीशीज वहां पर सर्वाइव कर सकती हैं। तो ठीक है, अगर इसका अमाउंट कम होता है, ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं उनको ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी तो उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एंड दे मे डाई, ठीक है, हो सकता है वो मर जाए, ओके, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए ड्यू टू लेस ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसको अगर मैं 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसे पीपीएम में कैलकुलेट करना था, ठीक है, कर दिया, देन इट इज 5.82 ppm। नाउ तुमको लगेगा अच्छा 5.82 ppm है, मतलब तुम इसको कुछ कंसिडरेबल अमाउंट कर लोगे, ठीक है, अदरवाइज तुम उनको ऐसे बोलो कि 0.0005 तुम उसको कंसिडर ही नहीं करोगे, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं है, जो चीज़ें बहुत कम अमाउंट में थी उनको थोड़ा कंसिडरेबल है, और उनका जो अमाउंट फ्लक्चुएट करने से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो मैंने बताया, तो इसलिए उनको हम किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई किया सो दैट कि उनका जो अमाउंट है वो कंसिडरेबल हमको देखने में लगे, ठीक है, और इससे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। उसके बाद देखिए जी, मोल फ्रैक्शन, आई थिंक पीपीएम में कोई डाउट नहीं होगा, आप किसी भी कोई भी चीज आपको ग्राम में दी है आप उसको पीपीएम में कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर कि आप ये जो पीपीएम है ना, यहाँ पे जो पार्ट्स और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिए हैं, ये मास टू मास भी हो सकता है, मतलब या तो सोल्यूट भी मास में दिया हो और सोल्यूशन भी मास में दिया हो, तब भी आप पीपीएम कैलकुलेट कर लोगे। वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी हो सकता है, मतलब कंपोनेंट भी जो सोल्यूट है वो भी वॉल्यूम दिया है और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम दिया, तब भी आप पीपीएम कैलकुलेट कर लोगे। एंड मास टू वॉल्यूम, अगर सोल्यूट भी मास में दिया है और सोल्यूशन जो है आपको वो वॉल्यूम में दिया है, तब भी आप जिस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके पीपीएम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब कि आपका सॉल्यूट मास में होना चाहिए या वॉल्यूम में होना चाहिए, ठीक है, ओके, वो कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं आया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल जो कंसेप्ट है वो 11th में आ जाता है, और सबसे पहले आता है 9th क्लास में, फिर आता है थोड़ा बहुत 11th में भी इंट्रोडक्शन है, थोड़ा अच्छा खासा इंट्रोडक्शन है 11th में, अब 12th में भी है, ठीक है। तो मोल तो कोई नई टर्म नहीं है आपके लिए। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन तो समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज की फ्रैक्शन हम लेते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट समझ के ना, किसी सॉल्यूट के मोल, उसके भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, उस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, फिर लेना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स। ऑल द कंपोनेंट्स मतलब जितने भी उसमें और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। बाइनरी में तो सिर्फ दो ही होंगे ना, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, पर बाइनरी के अलावा जो दूसरे हैं जिसमें तीन कंपोनेंट भी हैं, चार कंपोनेंट भी है, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या करना है, वहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स डाल देने हैं। तो डोंट वरी, पेपर में नहीं आएगा, मतलब पेपर में मोल फ्रैक्शन आएगा, बट बाइनरी के अलावा नहीं, किसी किसी और का इतना पूछा नहीं जाता, तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि वैसे भी इजी सा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है, दो चीजें आपके पास, एक है ए और एक है बी, ठीक है, कोई दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, सिंपल सी बात है।
तो एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, देखो एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, और एन भी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मुझे मैं कहूँ कि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, ए की मोल फ्रैक्शन बताओ, तो क्या करना है, ए की पूछा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट मतलब जिसकी मोल फ्रैक्शन आपसे पूछी गई है, तो एन ए डाल दिया, अपॉन क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑल द कंपोनेंट्स बोला मतलब दोनों कंपोनेंट्स, यहाँ पे दो ही हैं ए और बी हैं, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देना है, एन ए प्लस एन बी कर देना है, इसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सिंबल है एक्स, और हम नीचे इधर लिखते हैं नीचे ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और एन शो करता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सिमिलरली एक्स भी लिखा है, एक्स भी क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वो कैसे निकालूंगी, ऊपर क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है ना उसके मोल लेने हैं ऊपर, तो बी का पूछा है तो ऊपर किसके लूंगी, बी के नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देना है, एन ए प्लस एन बी कर देना है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर बताया कि अगर सपोज करो आई कंपोनेंट है, आई नंबर ऑफ, आई कोई नंबर है 7 8 सपोज कुछ भी है, आई कंसिडर कर लिया, इतने कंपोनेंट है ना, और पूछा गया कि एक्स वन बताओ कि फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, या आईथ कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, कुछ भी कंसिडर कर लो, तो एन आईथ अपॉन क्या कर देंगे, सारे का सम कर दो, बाकी जितने भी एन वन एन टू सो ऑन एन आईथ तक, ठीक है। फिर क्या कर सकते हो, एन वन इसको ऐसे लिख सकते हो ना, समीशन, दिस इज साइन ऑफ समीशन है ना, समीशन एन आई मतलब जितने भी एन वन से लेके एन आई है सभी नंबर ऑफ मोल्स का सम कर दो नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको क्या बताएगी, आईथ जो आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट है उसके कितनी मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ओके। अब एक चीज याद रखना, हमेशा किसी भी गिवन सॉल्यूशन में, ठीक है, सम ऑफ ऑल दी मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, ठीक है। मान लो अगर तीन कंपोनेंट है, ठीक है, इसी सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट है ए बी सी, तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा और बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा और सी का जो मोल फ्रैक्शन होगा, आप इनको तीनों को जब सम करोगे ना, इनके मोल फ्रैक्शन को, तो हमेशा वैल्यू जो आएगी सम करके वो वन आएगी। अगर दो कंपोनेंट है ए और बी, तो दोनों की मोल फ्रैक्शन निकाल ली और उनको जब सम करोगे ना तो वैल्यू आएगी वन, ठीक है। तो जितने भी कंपोनेंट हो किसी भी सॉल्यूशन में, दो तीन चार कितने भी हो, उनकी मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा वन आता है। पांच कंपोनेंट है तो पांच कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम वन आएगा जब आप पांचों को ऐड करोगे, पांचों की मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ये आप खुद से भी करके देख सकते हो, आप यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी दो कंपोनेंट है ना, तो एक्स ए की वैल्यू ये है एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी की वैल्यू है एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, तो दोनों को आप ऐड कीजिए, ठीक है। दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी दैट इज योर इक्वल टू वन, यू कैन चेक इट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है, आई तो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 2 3 4 5 6 कुछ कुछ भी हो सकता है, ओके। तो उन सभी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल में आपको यूज देखने को मिलेगा, ये जो है ना 2.7 इक्वेशन या फॉर्मूला वट एवर 2.7, इट इज क्वाइट यूजफुल, ओके। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल, आई विल हेल्प यू हाउ टू कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल, एंड दिस इज इजी वन, डोंट वरी। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, द फॉर्मूला इज C2H6O2, ठीक है, क्लियर। CH3OH, CH3OH दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं इन अ सोल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, ठीक है। अब देखो दोनों चीजें आ गई ना, दोनों कंसेप्ट आ गए, मास परसेंटेज भी आ गया और साथ में आ गया मोल फ्रैक्शन, दोनों कंबाइन होकर आए हैं कंसेप्ट इस क्वेश्चन में। तो जिसको मास परसेंटेज निकालना हो तो आता होगा और मोल फ्रैक्शन निकालना आता होगा वही न्यूमेरिकल कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास ही देख लेते हैं, 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, बाय मास समझते हो ना, वेट बाय वेट का रेशियो है, वेट बाय वेट का रेशियो है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है,
इसका मतलब सपोज करो कि 20 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में. सपोज करो आपका सॉल्यूशन क्या है 100 ग्राम है, तो 20 ग्राम क्या होगा, 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, और 80 ग्राम क्या होगा आपका, ठीक है 80 ग्राम होगा आपका वाटर. जब जिस भी किसी केस में अगर आपको सॉल्वेंट पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल तो सॉल्यूट है क्योंकि वो 20% है ना, तो 80% वाला क्या होगा सॉल्वेंट होगा. तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया कि सॉल्वेंट क्या है, बट जहां पर भी नहीं बताया जाता तो आप बाय अजम्पशन ये कंसिडर कर लीजिए कि आपका सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, इसलिए ज्यादातर चीजों में आपको सॉल्वेंट जो है वाटर दिखता है. क्लियर. अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि मैंने बताया कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकोल होगा और 80 ग्राम क्या होगा वाटर. 20% का मतलब यही है, ठीक है. तो अब देखो जो पहले तो आप मोलर मास फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. मोल फ्रैक्शन के लिए हमने देखा था ना Na ओवर Na प्लस Nb, है ना. Na क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, है ना. तो यहाँ पर भी मुझे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ना इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो मुझे इथाइलिन ग्लाइकोल के भी मोल्स पता होने चाहिए और जो सॉल्वेंट है उसके भी नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए. तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, क्या, एक तो उसका मॉलिक्यूलर मास और एक उसका वेट इन ग्राम्स, ठीक है. तो वेट इन ग्राम्स तो हमको पता है 20 ग्राम है क्योंकि 20% बोल दिया ना उसने, मतलब 20 ग्राम है वो. क्लियर. अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं फॉर्मूला से. फॉर्मूला में दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन. सो कार्बन का मास होता है एटॉमिक मास 12, तो मल्टीप्लाइड 12 इंटू 2 क्योंकि 2 कार्बन आर प्रेजेंट हियर, प्लस करना है. देन एक कार्बन का निपट गया ना, दूसरे एलिमेंट पे जब आएंगे तो प्लस करना है, ठीक है, प्लस कर दिया. देन 6 हाइड्रोजन आर देयर, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 6 का कितना हो जाएगा 1 × 6, डन हो गया हाइड्रोजन. थर्ड कॉम्पोनेंट पे आ गया ना, फिर डालो प्लस, प्लस का साइन कर दिया. अब O2 देयर आर 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का क्या मास है 16 मास है 1 6, ठीक है, 1 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट 24 प्लस 6 प्लस 32, इट विल बी 62 ग्राम पर मोल. ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास, ग्राम पर मोल इज द यूनिट फॉर मोलर मास, ठीक है. तो यूनिट साथ के साथ लिखते जाइए. अब देखो, अब हम निकालेंगे अपने मोल्स, किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकालेंगे. तो वेट इन ग्राम्स, ऊपर क्या लिखते हैं, हम वेट लेते हैं, जिसके भी आपने मोल निकालने हैं उसका वेट ऊपर लीजिए, नीचे लीजिए उसका मोलर मास, ठीक है. तो इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट तो 20 ग्राम था, मोलर मास है 62, तो ये क्या आ गया 0.322, ठीक है, 0.322 आ गया आपका. अभी देखिए पानी के निकाल लेते हैं, पानी के नंबर ऑफ मोल्स H2O, ठीक है, H2O का मोलर मास 18 होता है, 18 आप कैलकुलेट कर सकते हो H2O से, 16 प्लस 2 क्या 18. अब यहाँ पे देखिए 80 ग्राम वाटर था ना, 80, वेट ऊपर लेना है 80, है ना, नीचे क्या लेना है मोलर मास, दैट इज योर 18, डिवाइड कर दिया इसको, वैल्यू आ गया 4.44 मोल ग्राम पर मोल. अच्छा मोल्स निकाल दिए ना, वो मोलर मास का है, ठीक है, मोल आ गया. अब देखिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ऊपर किसके लेंगे, जिसके आपको मोल फ्रैक्शन पूछी है, किसकी मोल फ्रैक्शन पूछी है आपसे, पूछिए इथाइलिन ग्लाइकोल की, तो ऊपर लेना है जिसकी मोल फ्रैक्शन पूछी गई है, मतलब मोल्स ऑफ C2H6O2. और नीचे क्या करना है, नीचे दोनों का सम लेना है, दोनों के मोल्स का, यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल भी लेने हैं साथ में पानी के भी लेने हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो दोनों से मिलकर बना है ना, ठीक है. अब देखो कर दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया 0.068, ठीक है, ओके. ये तो आपको हो गया आपकी इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन. अगर मैं पूछूं कि पानी की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, ठीक है, वैसे तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, बट सिंपल ट्रिक क्या थी कि मैंने बताया था कि जो दो कंपोनेंट है अगर किसी सॉल्यूशन में, तो दोनों की जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, है ना. तो एक इक्वेशन बन जाती है एक्स ग्लाइकोल प्लस एक्स वाटर विल बी इक्वल टू 1, ठीक है. यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स ग्लाइकोल, है ना, सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाटर. जैसे 1 में से माइनस कर दो 0.068, दैट इज द मोल फ्रैक्शन फॉर ग्लाइकोल.
इथाइलिन ग्लाइकोल, तो आंसर आ गया 0.932, तो ये आपकी आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। तो ये जो इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेना, आई थिंक कुछ जो आप खुद से करते हो तभी सीख पाओगे। ये मैंने एक इसलिए समझाया है सो दैट कि आप आगे फर्दर प्रोसीड कर पाओ न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, इनकेस कोई डाउट है तो मुझे बता देना। ओके, थैंक यू सो मच।